तो गाइस क्या आपके फोन की बैटरी जल्दी लो हो जाती है, या फिर दोस्तों आपके फोन की बैटरी पूरा एक दिन नहीं चलती, आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। मैं दोस्तों आपको कुछ आज टिप्स बताने वाला हूँ बैटरी हम अपने स्मार्टफोन की कैसे बचा सकते हैं, जिसको फॉलो करके दोस्तों आप काफी हद तक अपनी फोन की बैटरी को बचा सकेंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, जिसमें दोस्तों ब्राइटनेस आती है। तो गाइस हमारी फोन की जो ब्राइटनेस होती है, अगर हम उसको मैन्युअली सेट करें, चाहे दोस्तों हम घर पर हो या फिर बाहर हो, अगर दोस्तों हम उसको मैन्युअली सेट करते हैं तो दोस्तों हमारी फोन की बैटरी काफी हद तक सेव होती है, बजाय कि दोस्तों आप उसको ऑटो ब्राइटनेस पर रखें। क्योंकि गाइस ऑटो ब्राइटनेस क्या करती है, जितनी हमें विजिबिलिटी रिक्वायर होती है उससे कुछ ज्यादा ही देती है, जिसकी वजह से दोस्तों वो बैटरी को जो है ज्यादा कंज्यूम करती है ऑटो ब्राइटनेस। तो गाइस अगर आप आगे से मैन्युअली सेट करेंगे तो दोस्तों आपकी बैटरी काफी हद तक सेव रहेगी। इसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले में जो है, आजकल आपने देखा होगा कि हर स्मार्टफोन में आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों अगर आप अपने फोन में डार्क मोड को इनेबल कर देंगे तो भी दोस्तों आपकी जो है फोन की बैटरी काफी सेव हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लाइव वॉलपेपर यूज करते हैं तो भी दोस्तों आपकी बैटरी जो है ज्यादा खाता है लाइव वॉलपेपर। तो गाइस लाइव वॉलपेपर के बजाय आप एक जो है डार्क कलर का कोई भी वॉलपेपर अगर यूज करते हैं तो दोस्तों आपकी बैटरी ज्यादा सेव होगी। इसके अलावा गाइस अगर आप अपने फोन की ब्लूटूथ हो गई, GPS हो गई, NFC हो गई या फिर वाईफाई हो गई, उसको दोस्तों बेफिजूल इनेबल रखते हैं तो भी दोस्तों ये चीजें आपकी फोन की बैटरी को ज्यादा चूसती है। तो गाइस आगे से आप क्या कर सकते हैं कि इनको डिसेबल कर सकते हैं जब आपको इनकी जरूरत ना हो, जिसके बाद गाइस आपकी फोन की बैटरी काफी सेव हो जाएगी। इसके अलावा गाइस आप अपने फोन की बैटरी यूसेज को जो है चेक कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा बैटरी खा रही है। उसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग में जाके बैटरी वाले ऑप्शन में जाकर जो है बैटरी यूसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन जो है ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही है। तो गाइस अगर उनमें से कोई एप्लीकेशन ऐसी हुई जो कि आप यूज नहीं करते ज्यादा और वो जो है आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर रही है फोन की, तो दोस्तों आप उसको डिलीट या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है अपने फोन में ऑटो सिंक को डिसेबल कर सकते हैं, जिसमें गाइस आप सेटिंग में जाके आपको वहां पर गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल अकाउंट का, वहां पर दोस्तों जाके आप जो है ऑटो सिंक को डिसेबल कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप अपने पार्टिकुलर जीमेल आईडी को चुन करके पार्टिकुलर जो है सेगमेंट को डिसेबल कर सकते हैं उनके ऑटो सिंक को, जैसे कि दोस्तों गूगल कैलेंडर हो गया या फिर कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो गए, आप उनको भी एक एक करके भी डिसेबल कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप ऑटो सिंक को पूरा ही डिसेबल कर सकते हैं। क्योंकि गाइस जब हमारे फोन में ऑटो सिंक जो है इनेबल होता है तो दोस्तों ये एक दो दिन में जो है अपने आप ही बैकअप लेता रहता है हमारी ड्राइव में, जिसके बाद दोस्तों हमारा डेटा जो है ज्यादा कंज्यूम होता है और बैटरी भी ज्यादा खर्च होती है। इसके अलावा गाइस आप क्या कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं उनको जो है दोस्तों आप क्लियर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों हमारा स्मार्टफोन जो है इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि बैकग्राउंड में कौन सी एप्लीकेशन रखनी है या फिर कौन सी नहीं रखनी, लेकिन स्टिल दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बार सुबह अपना पेटीएम ऑन करा, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि आप पूरे दिन में पेटीएम ऑन नहीं करने वाले, तो दोस्तों उसको बैकग्राउंड से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर वो एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रहेगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो डेटा को कंज्यूम करती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बैटरी जल्दी खत्म होने का एक ये भी रीजन हो सकता है कि आप काफी समय से जो है एक पुअर इंटरनेट सिग्नल पर जो है अपने फोन को चलाते हो, मतलब कि दोस्तों अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है या फिर उसका जो है सिग्नल कमजोर है, लेकिन गाइस आप काफी समय से जो है अपने फोन को उसी सिग्नल पर चलाए जा रहे हैं, उसी सिग्नल से एप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं या और कुछ काम करते हैं, तो पुअर इंटरनेट सिग्नल होने की वजह से भी दोस्तों आपकी बैटरी ज्यादा खर्च होती है। इसके अलावा गाइस हम अपने फोन को जो है रिस्टार्ट बिल्कुल नहीं करते, लेकिन दोस्तों अगर हम एक हफ्ते में एक से दो बार अपने फोन को रिस्टार्ट कर दें तो दोस्तों वो वैसे ही बेकार की जो है बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन हो रही होती है या फिर कोई फाइल वगैरह पड़ी होती है वो दोस्तों अपने आप ही क्लियर हो जाती है अगर दोस्तों आप अपने फोन को रिस्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं करते हैं, हमें लगता है दोस्तों टाइम वेस्ट होगा इससे, लेकिन दोस्तों रिस्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हफ्ते में एक दो बार ही कर लेंगे तो भी दोस्तों काफी जो है आपकी बैटरी सेव हो जाएगी। इसके अलावा गाइस अगर आपने अपने फोन की ऑटो स्क्रीन ऑफ को 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम में सेट करा हुआ है तो दोस्तों उसको अभी के अभी जो है 15 सेकंड या फिर ज्यादा से ज्यादा
30 सेकंड के टाइम पर सेट कर लीजिए। क्योंकि गाइस बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने फोन को यूज नहीं कर रहे होते लेकिन दोस्तों हम अपने फोन को ऑन ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपने 5 मिनट के टाइम में सेट कर रखा है तो 5 मिनट तक दोस्तों आपकी डिस्प्ले जो है ऑन ही रहेगी और वो जो है दोस्तों आपकी बैटरी कंज्यूम करती रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने 15 सेकंड या 30 सेकंड का टाइम में सेट कर दिया तो दोस्तों इतने ही टाइम में वो अपने आप स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो गाइस ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें थी जिसका दोस्तों हम जो है ज्यादातर ध्यान नहीं रखते। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चीजें ये स्टेप दोस्तों एक साथ जो है अपनाओगे अपने फोन में तो दोस्तों आप काफी हद तक अपनी बैटरी को सेव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और दोस्तों इन स्टेप को आप जरूर फॉलो करोगे। तो बस दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके डेली कुछ ना कुछ ऐसी ही टेक वीडियोस यहां से पा सकते हैं। तो बस गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।